सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है कि सर मेरी टीम से ज्यादा कैसे प्लानर और लीडर बनाऊ बना पाऊं। अच्छा सर का सवाल यह है कि सर हम हमारी टीम में कैसे ज्यादा से ज्यादा लीडर्स और प्लानर्स बना पाएं। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। मैं बार बार एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ, कम हेयर फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ मैं। कम हेयर फॉर्मूले के बारे में, कम हेयर फॉर्मूले के बारे में कितने लोगों को नहीं पता है ये बताओ, क्योंकि जो लोग एमएलएम के सत्संग में रेगुलर हैं काफी समय से उन्हें तो पता ही होगा। आप में से कितने लोगों को कम हेयर फॉर्मूले के बारे में नहीं पता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए कोई भी बहुत बड़ा तोप चलाने की जरूरत नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेस होना हो सकता है आसान ना हो, क्योंकि अगर आसान होता तो कोई भी ज्वाइन होकर कोई भी सक्सेस हो जाता ना। आसान नहीं है लेकिन सरल है, सरल यानी कि सिंपल है। सीधे रास्ते पे चल के आप इस बिजनेस के अंदर आसानी से सक्सेस हो सकते हैं, और टेढ़े मेढ़े रास्तों को पकड़ के आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। सीधे रास्ते पे चलेंगे सक्सेस हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं सक्सेस होने का सीधा सीधा रास्ता क्या है। सर का सवाल है कि सर ज्यादा से ज्यादा प्लानर्स और लीडर्स कैसे बना पाऊँ। चलिए बात करते हैं। तो एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार एक गांव है, एक गांव के अंदर एक व्यक्ति था। वो पूरे गांव में उस व्यक्ति को अकेले को इंग्लिश आती थी, ज्यादा नहीं आती थी, बस थोड़ा बहुत समझ में आती थी इंग्लिश। लेकिन वो अपनी छोटी थोड़ी बहुत इंग्लिश के बारे में अधूरा ज्ञान था उसके पास में, थोड़ा बहुत जानकारी थी, लेकिन वो अपनी इंग्लिश का ऐसा दिखाता था, ऐसा घमंड ऐसा दिखाता था चारों तरफ में कि जैसे वही है बस पढ़ा लिखा पूरे गांव के अंदर में। तो गांव में एक वृद्ध सज्जन थे, उनको ना थोड़ा डाउट हुआ इस व्यक्ति के ऊपर कि इसको यार ढंग से इंग्लिश नहीं आती। तो उन्होंने उस व्यक्ति से बोला, देखो भाई मुझे ऐसा है, आप बोलते तो हो कि आपको इंग्लिश आती है लेकिन मुझे डाउट है कि आपको इंग्लिश आती है, तो मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर आप मेरे टेस्ट में सक्सेस हो गए तो मैं भी मान लूंगा कि आपको इंग्लिश आती है। तो वो व्यक्ति ने बोला ठीक है पूछो, फुल कॉन्फिडेंस से। उन्हें सोचा क्या पूछ लेगा मेरे से ज़्यादा ये। तो उसने बोला ठीक है सर पूछो। सुनो कहानी सुनते जाओ, स्टोरी सुना रहा हूँ आप लोगों को, बड़ा मजा आएगा। तो वो जो व्यक्ति था, वो जो वृद्ध व्यक्ति था, वो जो थोड़ा सज्जन व्यक्ति था, उसने पूछा, उसने पहला सवाल पूछा उससे कि अच्छा ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा है कोई व्यक्ति, और उसको यहाँ बुलाना है, हमें अपने पास बुलाना है, तो हम उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम उस व्यक्ति को कैसे बुलाएंगे। तो बोलेगा, वो बोलता है बड़ा सिंपल है सर, हम उससे बोलेंगे कम हेयर। क्या बोलेंगे? हम उससे बोलेंगे कम हेयर, और वो आ जाएगा। बोला वाह वेरी गुड वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो फिर वो जो वृद्ध व्यक्ति था उसने बोला ठीक है, अब मेरा दूसरा सवाल, अगर ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब हमने उस व्यक्ति को वहाँ भेजना है, ठीक है, यहाँ खड़ा है और हमने उस व्यक्ति को वहाँ भेजना है, तो अब हम उस व्यक्ति को वहाँ भेजने के लिए क्या बोलेंगे। अब इसकी अंग्रेजी उस सामने वाले को आती नहीं थी, तो वो फंस गया। थोड़ी देर उसने 2 मिनट सोचा, थोड़े 2 मिनट सोचने के बाद उसके मन में एक आइडिया आया। उसने बोला कि सर देखो ऐसा है, ये भी बहुत सिंपल है, अगर हमको किसी व्यक्ति को, हम यहाँ खड़ा है और उस व्यक्ति को हमने वहाँ भेजना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले खुद वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे जहाँ हम उस व्यक्ति को भेजना चाहते हैं, खुद वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे, और फिर वहाँ जाकर उस व्यक्ति से बोलेंगे कम हेयर। समझ में आ गया? कम हेयर। अब मैं बात करता हूँ कि सर के सवाल से रिलेट करता हूँ मैं इस बात को। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जो पूरी की पूरी आपकी सक्सेस है वो इस कम हेयर फार्मूले के ऊपर ही है सर। आपकी पूरी की पूरी सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इस कम हेयर फार्मूले पर ही है। आज आपकी टीम कितनी है मुझे नहीं पता। आपकी टीम हो सकता है 2 लोगों की हो, आपकी टीम हो सकता है 5 लोगों की हो, आपकी टीम हो सकता है 20-25 लोगों की हो, आपकी टीम हो सकता है 50 लोगों की हो, आपकी टीम हो सकता है 500 लोगों की हो। और हमारे एमएलएम का सत्संग के अंदर कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जिनका टीम साइज 10,000 लोगों से भी ज़्यादा का है। एक लीडर हमारे साथ में ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑडी खरीदी है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा उनके बारे में, मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने अभी, वो आगरा के अंदर में है, AWPL में है, और उन्होंने अभी कुछ समय पहले ऑडी खरीदी है, और वो हमारे एमएलएम का सत्संग में हमारे साथी है। बहुत जल्दी ही मैं आपका उनसे परिचय भी करवाऊंगा, ठीक है सर। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज आपकी टीम कितनी भी हो, कम हेयर फॉर्मूला आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है, आपके करियर के अंदर काम करता है। आपने एक्चुअल में करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज आपकी जितनी भी टीम है, आपकी चाहे 2 लोगों की टीम है, आपकी 5 लोगों की टीम है, 10-15-20 लोगों की आपकी जितनी भी टीम है आज की डेट में, आपने अपने साथ के लोगों को ये बताना है कि आप आज जहां पर भी हो वहां पर आप क्या करके पहुंचे। यानी कि सपोज दैट आपकी आज 5 लोगों की टीम है, तो आपने अपने 5 लोगों को यह समझाना है कि आपने 5 लोगों की टीम कैसे बनाई। आपको एग्जैक्टली उनको ज्यादा से ज्यादा कंडीशन के अंदर आपने उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या समझाना है, आपने उनको ज्यादा से ज्यादा ये समझाना है कि आपने 5 लोगों की टीम कैसे बनाई, क्या किया आपने। आपने मीटिंग अटेंड करी, आपने ट्रेनिंग अटेंड करी, आपने लिस्ट बनाई, आपने शो द प्लान किया, या आपने अपलाइन से करवाया, या आपने फॉलोअप किया, या आपने अपलाइन से करवाया, आपने क्या किया।
जो करके आपने 5 लोगों की टीम बनाई वही बताओ अपने साथ के 5 लोगों को, ठीक है ना। आप जो भी हो इस बिजनेस के अंदर में, आपकी अगर जैसे आपकी 5 लोगों की टीम है, अब आपने 5 लोगों को बताया तो 5 में से हो सकता है 3 लोगों के दिमाग की बत्ती जल जाए और ये 3 लोग आपकी बात को मान के आपके पैटर्न को फॉलो करके 5-5 लोगों की टीम बना लेंगे। 5-5-5 की टीम बना ली इनमें से 3 लोगों ने, तो आपकी टीम कितने लोगों की बन गई, 20 लोगों की आपकी टीम बन गई। अब आप अपनी टीम के ये जो सारे के सारे लोग हैं इनको बताओ कि आपने 20 लोगों की टीम कैसे बनाई। आप इन सारे लोगों को ये बताओ कि आपने 20 लोगों की टीम कैसे बनाई। कम हेयर मेरी 20 लोगों की टीम हो गई, कम हेयर मेरी 20 लोगों की टीम हो गई, कम हेयर। अब आप जब 20 लोगों को बोलोगे कम हेयर, यानी कि मैंने 20 लोगों की टीम बना ली, आप भी जल्दी जल्दी 20 लोगों की टीम बना लो, जैसे आप इनसे बोलोगे कम हेयर, तो 20 में से हो सकता है 5 लोगों के दिमाग की बत्ती जलेगी और ये 20 में से 5 लोग अपना जो है 20-20 लोगों की टीम बना लेंगे। तो आपकी टीम कितनी बन गई, 120 लोगों की आपकी टीम बन गई। और जैसे ही आपकी 120 लोगों की टीम बनी, आपका कोई ना कोई रैंक क्वालिफाई हो जाएगा, आपका कोई ना कोई लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर कंपनी के अंदर में 100 लोगों की टीम बनते बनते कोई ना कोई आप बेसिक लेवल, आप शुरुआती लेवल अचीव कर चुके होते हैं। तो जैसे ही आपके नेटवर्क में आपने पहला लेवल अचीव किया, उसके बाद आपने अपनी टीम के सारे लोगों से बोलना है कम हेयर सर, कम हेयर। आपने यानी कि अपनी टीम के लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही सिखाना है, यही बताना है कि आपने ये लेवल कैसे हिट किया, आपने ये लेवल कैसे अचीव किया, आपने कितने प्लान किए, आपने कितने फॉलोअप किए, आपने कैसे प्लान किए, आपने कैसे फॉलोअप किए, आपने कितनी मीटिंग्स अटेंड करी, आप कितनी ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, आपका डेली का डेली वर्किंग रूटीन क्या रहता है, आप क्या कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। आपने सिर्फ ये बताना है 24 घंटा अपने साथ के लोगों को कि आपने लेवल कैसे हिट किया, आपने लेवल कैसे हिट किया। और जब आप ये बता रहे होंगे अपनी टीम के अंदर कि आप क्या 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 एक्टिविटीज करते हैं और आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज आप करते हैं जिसकी वजह से आपने लेवल हिट किया, और वही एक्टिविटीज जब आपकी टीम के लोग करेंगे तो वो भी लेवल हिट करेंगे, ठीक है ना। आपकी टीम 120 लोगों की है और आपने बताया कि मैंने 120 लोगों की टीम कैसे बनाई, और 120 में से अगर 10 लोगों की भी दिमाग की बत्ती जलती है, 120 में से सिर्फ 10 लोगों की दिमाग की बत्ती जलती है और वो भी आपके वर्किंग पैटर्न को फॉलो करके अपनी अपना जो है वो अपनी 120 लोगों की टीम बनाते हैं, तो आपकी टीम कितनी बन गई सर, कम से कम 1300-1400 लोगों की टीम बन गई आपकी। और आप जो है सेफ शॉप के प्लान के अनुसार आपका टोपाज लेवल क्रैक कर देंगे सर आप, है ना। जैसे कि सर ने बताया कि मैं सेफ शॉप कंपनी में हूँ, तो सर सेफ शॉप कंपनी में आप टोपाज लेवल क्रैक कर जाएंगे। और जैसे ही आप टोपाज पहुंचे, अपनी टीम के बंदों के साथ बैठ के उनको बताओ कि आप टोपाज कैसे बने। यही बताओ बस, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आप पूछ रहे हैं कि सर लीडर कैसे बना पाऊंगा अपनी टीम के अंदर, प्लानर कैसे बना पाऊंगा। अगर आप लीडर होंगे तभी आप अपनी टीम में लीडर बना पाएंगे, क्योंकि कम हेयर फॉर्मूला काम करता है सर। अगर आप प्लानर होंगे तभी आप प्लानर बना पाएंगे, समझ में आ गया। तो आपको अगर अपनी टीम में प्लानर बनाने हैं तो आप प्लानर बनिए और अपनी टीम को बताइए कि प्लानर कैसे बना जाता है, मैं प्लानर कैसे बना। आपको अगर अपनी टीम में लीडर्स बनाने हैं तो लीडर बनिए और अपनी टीम को बताइए कि आप लीडर कैसे बने। दुनिया आपको एज अ लीडर क्यों स्वीकार करती है, ऐसी क्या काम करते हैं आप, ऐसी कौन सी एक्टिविटी करते हैं आप जिससे कि पूरी दुनिया आपको एज अ लीडर स्वीकार करती है, ये समझाइए अपनी टीम को, वो करवाइए अपने साथ के लोगों से, वो लीडर बनते जाएंगे सर। सिंपल है, चलिए। कुछ मुश्किल है क्या इसके अंदर में, कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर में, कोई ऐसा कुछ बता दिया क्या जो कि बहुत ही अनोखा हो, नहीं। ये सारी प्रोसेस के बीच में आपको एक बात का ध्यान रखना होता है। चलिए, ईश्वर बेमाल सर का मैसेज भी आ गया, थैंक यू सर। देखिए सर, इस पूरी प्रोसेस के बीच में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आप ये प्रोसेस, ये जो कम हेयर फॉर्मूला है, आप अपनी टीम के अंदर तभी इंप्लीमेंट कर पाएंगे जब आप कुछ भी अनोखा काम नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ भी सुपरमैन टाइप की हरकतें नहीं कर रहे होंगे जब तक आप, समझ रहे हैं। आपका जो वर्किंग पैटर्न है ना सर, वो डुप्लीकेबल होना चाहिए। आप जो कुछ भी करते हैं वो डुप्लीकेबल होना चाहिए सर। तो अपने वर्किंग पैटर्न को सिंपल रखना भी इस बिजनेस के अंदर बहुत ज़रूरी है, डुप्लीकेबल होना, ताकि आपकी टीम का आदमी आपको डुप्लीकेट तो कर सके। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो आप कम हेयर फॉर्मूले को अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अपना दिमाग मत लगाइए, कोई भी व्यक्ति अपना दिमाग मत लगाइए, एक सिस्टम बनाया होता है आपकी कंपनी के अंदर में, आप सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो कीजिए, इसीलिए बोला जाता है। क्योंकि सिस्टम को फॉलो ना करके अपना अपनी अलग विशेष क्षमताओं का इस्तेमाल करके, अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करके, सुपरमैन वाली पावर्स का अपना इस्तेमाल करके आप कुछ टीम जरूर बना लेंगे, लेकिन आपकी टीम का हर आदमी सुपरमैन थोड़ी है जो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल कर लेगा, है ना। तो आपने कुछ टीम बनाने के लिए अगर काम करना है तो जो चाहे वो करते रहो, और अगर आपने लंबा डुप्लीकेशन अपनी टीम के अंदर लाना है तो अपने वर्किंग पैटर्न को ईजी रखो, डुप्लीकेबल रखो, ऐसा रखो जिसको फॉलो करना आसान हो, जिसको डुप्लीकेट करना आसान हो, बस वही करो। समझ में आ गया। चलिए, अरे सर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम से परेशान है,
सर ने लिखा हुआ है सर घर की वाइफ बिजनेस को पसंद नहीं करती, क्या करें सर? हमारे घर वाले इस बिजनेस को पसंद नहीं कर रहे होते, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते सर, तलाक थोड़ी दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक काम कर सकते हैं, अपनी मेहनत को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते, आपकी मदर सपोर्ट नहीं कर रही, आपके फादर सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही, आपके बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे, है ना, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या करें? अपनी मेहनत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए। अगर आप अभी तक 4 प्लान कर रहे थे ना दिन भर के अंदर, अब 20 करिए सर, अब 20 करिए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा बिजी हो जाएंगे, तो आपके घर वाले आपको और ज्यादा कुछ समय तक और ज्यादा टॉर्चर करेंगे। लेकिन ज्यादा मेहनत करने से आपको फायदा ये होगा कि आपको एकदम से बड़ा चेक आएगा। क्या होगा? बड़ा चेक आएगा और आप लेवल क्वालिफाई करोगे। जैसे ही आपको बड़ा चेक आया, आपने लेवल क्वालिफाई करा, बड़ा चेक लेकर गए आप घर में और वाइफ को दिखाया, ये देख, वाइफ को दिखाया, ये देख, और वाइफ से बोला ये चेक तेरे नाम पे है, ये पूरा का पूरा चेक तेरे नाम पे, तेरे को जैसे खर्च करना है कर ले, क्योंकि ये आखिरी नहीं है, ये पहला है, ये आखिरी नहीं है, ये पहला है। ऐसा बोलना सर वाइफ से, बड़ा चेक ले जाकर। ये बड़ा चेक लेकिन तब आएगा सर जब आप दुगनी तिगुनी कहीं गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। समझ में आ गया? वाइफ के पास लेकर जाना सर वो बड़ा चेक, और बोलना कि ये देख, अगर तूने मुझे ताने ना मारे होते तो ये बड़ा चेक भी ना आया होता, और मैं ज़िंदगी में धीरे 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 ही काम करता रहता। एक पागल आदमी मिला था मुझे सत्संग में, और उनसे मैंने यही बोला था कि मेरी वाइफ मुझे ऐसे ऐसे परेशान करती है, मैं क्या करूं, और उसने मुझे बोला था कई गुना ज़्यादा मेहनत कर ले, कई गुना ज़्यादा मेहनत कर ले और बड़ा चेक बना के वाइफ को दिखा दे, ये देख बड़ा चेक। वो बड़ा चेक दिखाना और फिर वाइफ से कहना कि अगला लेवल क्वालिफाई हो चुका है, अब स्टेज पर सम्मानित किया जाने वाला है, और जब सम्मानित किया जाएगा आपको अपनी वाइफ को लेकर जाना, और हस्बैंड वाइफ दोनों को कपल में जब सम्मानित किया जाता है, तब आपकी वाइफ जब स्टेज पर जाएंगी, उनको समझ में आ जाएगा कि आपकी मेहनत कितनी बड़ी मेहनत है, आप कितनी बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद वो आपको ताने नहीं मारेंगे सर, उसके बाद वो आपके साथ सपोर्ट करेंगी। जब आप थक के घर आएंगे तो आपको एकदम गरम गरम डिनर मिलेगा, एकदम गर्मा गर्म चाय मिलेगी। समझ में आ गया सर? घर वाले हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे होते ना। एक डॉक्टर साहब की कहानी याद आ गई, सुनाऊं क्या? एक डॉक्टर साहब की कहानी याद आ गई मुझे, सुनाऊं क्या? जल्दी जल्दी बताइए ना, आप लोग बताते नहीं है जल्दी जल्दी। चलिए सुना देता हूँ, आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे, मैं सुना देता हूँ। एक बार क्या है ना, एक डॉक्टर साहब थे, उन डॉक्टर साहब का करियर कुछ खास चल नहीं रहा था, उनकी डॉक्टरी जो थी ना वो बहुत कुछ खास चल नहीं रही थी, लेकिन वो क्या है, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, शिव शंकर के, शिव शंकर के वो बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार क्या हुआ, वो शिव शंकर के आगे जो है, उनके जो उनका जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के आगे वो एकदम धुनी जमा के बैठ गए। डॉक्टर साहब बोले कि मेरा करियर चल नहीं रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ, मुझे आपके दर्शन चाहिए, मेरी मदद करो। भोलेनाथ, वरना मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, भोलेनाथ मेरी मदद करो, मैं उठने वाला नहीं हूँ, मेरा करियर चल नहीं रहा है, मेरी ज़िंदगी बढ़िया चल नहीं रही है, आपकी भक्ति करी है मैंने बचपन से, मेरी मदद करो। तो भोलेनाथ जी को भी समझ में आया, यार अब ये उठने वाला नहीं है तो पहुंच जाता हूँ। तो भोलेनाथ जी आ गए डॉक्टर साहब के सामने, बोले पूछा डॉक्टर साहब से, बताइए डॉक्टर साहब क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला कि मेरा करियर सर चल नहीं रहा है ढंग से, मेरी प्रैक्टिस अच्छे से चल नहीं रही है, मैंने इतनी मेहनत करके MBBS की डिग्री ली, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में वो सफलता हासिल नहीं कर पा रहा हूँ जिसकी मुझे उम्मीद थी, तो मेरी समस्या का निवारण कीजिए। तो पता है क्या हुआ, तो भगवान शिव शंकर ने उस डॉक्टर साहब को एक वरदान दे दिया, बहुत ध्यान से समझना, डॉक्टर साहब को एक वरदान दे दिया भगवान शिव शंकर ने। क्या बोला? बोला कि देख ऐसा है डॉक्टर साहब, आज के बाद जब भी कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आपको ये पहले ही पता चल जाएगा कि वो जिंदा बचेगा या मर जाएगा, आपको ये पहले ही पता चल जाएगा। जो व्यक्ति मरने वाला होगा वो केस कभी भी अपने हाथ में मत लेना, और जो व्यक्ति जिंदा बचने वाला होगा उसके बारे में भी आपको पहले से पता चल जाएगा, वो चाहे कितना ही क्रिटिकल क्यों ना हो, चाहे वो मरने की हालत में ही क्यों ना हो, अगर आपको ये पता चल गया कि ये बचने वाला है ये मरने वाला नहीं है तो उस केस को ले लेना, ठीक है? तो ऐसा बताया, बोला कि मुझे पता कैसे चलेगा, पूछा उन्होंने, बोला उन्होंने ऐसा है कि जो मरने वाला होगा ना उसके पीछे तुमको दो यमदूत खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। बोला जो भी पेशेंट तुम्हारे पास आएगा और वो अगर मरने वाला होगा तो उनके पीछे दो यमदूत खड़े हुए तुमको दिखाई दे जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोला अरे वाह बहुत बढ़िया, उन्होंने शिवशंकर को थैंक यू बोला और शिवशंकर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वहां से चले गए अपने वापस कैलाश पर्वत चले गए। अब डॉक्टर साहब बड़े खुश। अब अगला दिन सुबह हुआ, डॉक्टर साहब अपने चैम्बर में पहुंचे और पेशेंट आया,
तो पहला पेशेंट आया, बहुत ही क्रिटिकल, एकदम मरणासन हालत में, खून से लथपथ, बिल्कुल हड्डियों का सुरमा बना हुआ था, 36 जगह से उसकी हड्डियां टूटी हुई थी और उसका बचपाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। चार जगह से, चार हॉस्पिटल से उसको जो है हटा दिया गया था कि भैया हमसे नहीं हो सकता। सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया हमसे नहीं हो सकता, लेकिन लेकिन उस डॉक्टर के पास जब वो पेशेंट आया तो डॉक्टर ने देखा यार इसके पीछे यमदूत तो खड़े नहीं है, इसके पीछे यमदूत खड़े नहीं है, यानी कि ये बच जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने वो केस अपने हाथ में ले लिया और बोला चिंता मत करो मैं इसे बचा लूंगा, चिंता मत करो मैं इसे बचा लूंगा। और डॉक्टर साहब ने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया और वो बच गया, वो बच गया। और वो बच गया तो डॉक्टर साहब के नाम का डंका चारों तरफ बच गया। अरे डॉक्टर साहब ने गजब कर दिया, जो कोई नहीं कर सका वो तो डॉक्टर साहब ने कर दिया। और डॉक्टर साहब का नाम, नेम एंड फेम एकदम चकाचक चमक गया, उनकी डॉक्टरी एकदम बढ़िया चल गई। अब क्या होता था, अब उनके साथ यही होने लग गया, जो भी पेशेंट उनके पास आता था उनके पीछे अगर यमदूत दिख गया तो वो केस हाथ में नहीं लेते थे, पहले ही मना कर देते थे कुछ नहीं हो सकता, नहीं बचेगा, ठीक है। और जिसके पीछे उनको यमदूत नहीं दिखा वो कितना ही क्रिटिकल हो उसको वो केस हाथ में ले लेते थे और वो बच जाता था। अब इस तरीके से डॉक्टर साहब की डॉक्टरी बहुत बढ़िया चलने लग गई, डॉक्टर साहब ने खूब नाम कमाया, खूब पैसा कमाया, खूब दौलत कमाई, खूब शोहरत कमाई, खूब उनका बढ़िया हो गया। लेकिन एक दिन कहानी में ट्विस्ट आया, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, एक दिन कहानी में ट्विस्ट आ गया, कहानी में ट्विस्ट ऐसा आ गया कि एक दिन डॉक्टर साहब सुबह सुबह नहाने के लिए जब बाथरूम में गए तो बाथरूम में एक शीशा लगा हुआ था और शीशे के सामने जैसे ही डॉक्टर साहब एक दिन सुबह सुबह खड़े हुए तो डॉक्टर साहब को अपने पीछे दो यमदूत खड़े हुए दिखाई दे गए। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ध्यान से समझना, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। डॉक्टर साहब को अपने पीछे दो यमदूत खड़े हुए दिखाई दे गए और डॉक्टर साहब को एक सेकंड भी नहीं लगा यह समझने में कि मेरा टाइम आ गया। अब डॉक्टर साहब एक ही सेकंड में समझ गए कि अब मेरा टाइम आ गया, लेकिन डॉक्टर साहब ना मरना नहीं चाहते थे। डॉक्टर साहब ने बोला कि यार मैंने अभी अभी तो सफलता हासिल करनी शुरू करी है, अभी अभी तो मुझे नाम पैसा इज्जत दौलत शोहरत मिली है और अभी अभी मेरे पीछे दो यमदूत आके खड़े हो गए, बोला मरना नहीं है मुझे। तो डॉक्टर साहब ने दिमाग लगाया, डॉक्टर साहब ने सोचा कि अगर मैं इन यमदूतों की तरफ पलटूंगा ही नहीं तो ये यमदूत मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं इनकी तरफ पलटूंगा ही नहीं। तो डॉक्टर साहब का जो है वहाँ पर नौटंकी शुरू हो गई, डॉक्टर साहब को पता था मेरे पीछे यमदूत है तो वो साइड चलने लग गए, उन्होंने देखा ही नहीं पलट के उन यमदूतों की तरफ। अब यमदूत पीछे से परेशान हो गए कि यार ये तो हमारी तरफ पलट के देख ही नहीं रहा, क्योंकि जब तक वो पलट के देखेगा नहीं और यमदूत उसको तब तक ले जा नहीं सकते, ठीक है। तो यमदूत परेशान हो गए, यमदूतों ने यमराज को फ़ोन लगा दिया, यमराज से बोला यमराज महाराज ये जो डॉक्टर है ये बड़ा स्मार्ट है, ये हमारी तरफ पलट नहीं रहा है, ये हमारी तरफ पलट नहीं रहा है तो हम इसको ले जा नहीं पा रहे हैं। तो यमराज ने बोला अच्छा ज़्यादा होशियारी दिखा रहा है क्या, यमराज ने दो यमदूत और भेज दिए। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, यमराज ने क्या किया, दो यमदूत और भेज दिए, बोला कि ठीक है तुम दोनों उसके पीछे पीछे लगे रहो, मैं उसके आगे खड़े होने के लिए दो यमदूत और भेज देता हूँ। तो जैसे ही यमराज ने दो यमदूत और भेजे, ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने और दिमाग लगाया, डॉक्टर साहब अपनी दाईं तरफ पलट के खड़े हो गए, ना उन्होंने अपने आगे देखा ना पीछे देखा, वो अपनी राइट साइड पलट के खड़े हो गए ऐसे बाईं तरफ। अब चारों यमदूत एक दो लेफ्ट साइड में आ गए, दो राइट साइड में आ गए, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ। अब यमदूत जो है फिर परेशान हो गए कि अरे डॉक्टर साहब तो और स्मार्ट निकल गए, उन्होंने फिर यमराज को फोन लगा दिया कि ये तो अभी भी हमारी तरफ पलट के नहीं देख रहा है, ये तो बहुत ध्यान से समझना, ये तो अभी भी हमारी तरफ पलट के नहीं देख रहा है। तो यमराज ने बोला कि अच्छा ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, यमराज ने बोला अच्छा ठीक है चार यमदूत और भेज देता हूँ, दो दाईं तरफ के लिए, दो बाईं तरफ के लिए, दो नॉर्थ के लिए, दो साउथ के लिए, दो ईस्ट के लिए, दो वेस्ट के लिए, अब देखता हूँ किस तरफ पलटता है ये, ठीक है। अब यमराज ने और दिमाग लगा दिया, ठीक है चार यमदूत और भेज दिए, आठ यमदूत हो गए, आठ आठ यमदूत हो गए, और मजाल नहीं है, आप देखिए सामने, अब देखिए ध्यान सामने, कहानी है, स्टोरी है, थोड़ा सा इसको व्यंग्यात्मक है, लेकिन मैं आपके मुद्दे पर पहुंचा रहा हूं। जो सर का सवाल है ना, वाइफ सपोर्ट नहीं करती, सर वाइफ सपोर्ट नहीं करती, उसी मुद्दे पर आ रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझना। अब डॉक्टर साहब को समझ में आ गया कि अब बड़ा मुश्किल हो गया है, तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, डॉक्टर साहब सिर के बल लेट गए, डॉक्टर साहब ने आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया, बोला ना राइट देखूंगा, ना लेफ्ट देखूंगा, ना नॉर्थ देखूंगा, ना साउथ देखूंगा, ना आगे देखूंगा, ना पीछे देखूंगा, डॉक्टर साहब ने ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दिया, ऊपर, समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, मैं आपको कहानी में ट्विस्ट बताता हूँ, कहानी में असली ट्विस्ट अब आया। अब डॉक्टर साहब जब ये सारी हरकतें कर रहे थे ना, तो उनके घर वाले भी उनको देख रहे थे, उनकी वाइफ भी उनको देख रही थी, तो उनकी वाइफ को समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो यमदूत तो खाली डॉक्टर साहब को दिख रहे थे ना, वो उनकी वाइफ को थोड़ी दिख रहे थे। तो उनकी वाइफ को समझ में नहीं आया ये डॉक्टर साहब को आज सुबह सुबह हो क्या गया, कभी बाई घूम रहे हैं, कभी दाई घूम रहे हैं, कभी ऊपर घूम रहे हैं, कभी नीचे घूम रहे हैं,
कभी चेयर पे बैठ जा रहे हैं, कभी कुर्सी पे बैठ जा रहे हैं, कभी दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जा रहे हैं। क्या हो गया डॉक्टर साहब को? सुबह सुबह समझ में नहीं आ रहा है। वो उनकी वाइफ को समझ में नहीं आया तो वाइफ ने क्या किया, अपने बच्चों को फोन लगा दिया, अड़ोसी पड़ोसियों को फोन लगा दिया कि डॉक्टर साहब का आज दिमाग खराब हो गया, सुबह सुबह पता नहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब को। तो सबके सब इकट्ठे हो गए, अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले, ठीक है, और घर परिवार वाले, बीवी बच्चे रिश्तेदार सब इकट्ठे हो गए। तो क्या किया उन्होंने, समझा कि डॉक्टर साहब क्या है, पागल हो गए। डॉक्टर साहब ने उनको समझाने की कोशिश करी कि मुझे यमदूत दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि मुझे यमदूत दिख रहे हैं और मेरे को पकड़ो मत वरना ये यमदूत मुझे उठा के ले जाएंगे। लेकिन घर वालों ने फिर भी जबरदस्ती उन डॉक्टर साहब को पकड़ा और एक कुर्सी के ऊपर बांध दिया कि आज इसके अंदर कोई भूत भूत आ गया करके। डॉक्टर साहब को पकड़ के उन घर वालों ने उस एक कुर्सी पर बांध दिया और आठों के आठों यमदूत डॉक्टर साहब के सामने आके खड़े हो गए। वो यमदूत बाकी किसी को नहीं दिख रहे थे लेकिन उन डॉक्टर साहब को दिख रहे थे। तो अब लास्ट डायलॉग मारता हूं मैं आपको, लास्ट डायलॉग यह है कि यमदूतों ने बोला डॉक्टर साहब से, क्यों डॉक्टर साहब बड़ी होशियारी दिखा रहे थे ना, बड़ी होशियारी दिखा रहे थे, बहुत देर नाच नचाया तुमने हमको, बड़ी होशियारी दिखा रहे थे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब का जवाब मैं आपको बताता हूं सर, डॉक्टर साहब ने जवाब क्या दिया, डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि वो तो मेरे घर वाले ही थे जो मुझे समझ नहीं पाए, वो तो मेरे घर वाले ही थे जो मुझे समझ नहीं पाए, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं थी कि तुम मुझे ले जा पाते। डॉक्टर साहब का यमदूतों को जवाब कि वो तो मेरे घर वाले ही थे जो मुझे समझ नहीं पाए, वरना तुम्हारी कोई औकात नहीं थी कि तुम मुझे ले जा पाते। हमारे घर वाले ही हमें समझ नहीं रहे होते ना। अपनी मेहनत को इतना बढ़ा दो कि आपका चेक देखने के बाद आपके घर वाले आपको रेजिस्ट करना बंद कर दें। एक ही समाधान है, एक ही सॉल्यूशन है, बड़ा चेक, रैंक क्वालिफिकेशन, तभी आपके घर वालों को समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा सर। वो आपको कुर्सी से बांध देंगे और आपका काम तमाम हो जाएगा। चलिए मनोहर यादव सर ने लिखा हुआ है, जी बिल्कुल सही है सर, डायरेक्ट सेलिंग की प्रतिस्पर्धा ट्रेडिशनल मार्केटिंग से होनी चाहिए, ना कि किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने क्षणिक लाभ के लिए बुरा भला कहकर अंततः अपना ही बड़ा नुकसान करना है। बिल्कुल सही बात बोली मनोहर यादव सर आपने, क्षणिक छोटे से फायदे के लिए, छोटे से लालच के लिए। मैंने बोला ना आपको, हम लोग छोटे छोटे लालचों में फंस जाते हैं, हम लोग अपनी सोच को कभी इतना डेवलप कर ही नहीं पाते हैं कि हम लोगों का एक कॉमन कंपटीटर है सर, हम लोगों का एक कॉमन कंपटीटर है, वो है ट्रेडिशनल मार्केट। आप देखिए 25 साल इस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर होने हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर में, लेकिन आज भी हम लोग 1% मार्केट भी कैप्चर नहीं कर पाए, नॉट जस्ट 1% मार्केट। ये हमारी सक्सेस नहीं है, ये पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कलेक्टिव फेलियर है सर, कलेक्टिव फेलियर। आप सोचिए वो सेना कैसे जीत सकती है जो सेना आपस में ही लड़ पड़े, जीत सकती है क्या? हम सब लोग एक ही सेना में हैं, हम सब लोगों की एक ही सेना है, ठीक है ना, हम लोग एक ही सेना के सिपाही हैं। और हमारा कंपटीटर कौन है? ट्रेडिशनल मार्केट। हम क्यों ट्रेडिशनल मार्केट को बीट नहीं कर पाते? क्योंकि हम आपस में ही लड़े पड़े हैं। और ट्रेडिशनल मार्केट, बाबा रामदेव साइड में बैठ के हंस रहे हैं, बाबा रामदेव साइड में बैठ के मस्त हंस रहे हैं, बोल रहे हैं लड़ो 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 लड़ो, बहुत मजा आ रहा है, ऐसे आग करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लड़ो लड़ो लड़ो, प्राणायाम करके लड़ो, योगा करके लड़ो। वो प्राणायाम करा के योगा करा के आपको लड़ाने में लगे, आप लड़ो सर लड़ो। क्रांतिवीर पिक्चर का डायलॉग याद नहीं आ जाता आपको, नाना पाटेकर का? मैं क्यों समझा रहा हूं आप लोगों को, मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को, लड़ो। कहने का मेरा मतलब ये है सर, आपस में मत लड़ो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में। चलिए देखो, हंसते हंसते मुस्कुराते हुए हम जो बातें कह जाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आप भी उनको हंसते मुस्कुराते में ही ले जाओ, बातें बड़े सीरियस हैं, लेकिन आपको हम हंसते मुस्कुराते हुए वो चीज़ें इसलिए बता देते हैं ताकि आप उन्हें गंभीरता से लें, ठीक है। यही बातों को मैं बड़े ही गंभीर तरीके से भी समझा सकता था और मैं समझाता तो मेरे को अपने में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं जिसको भी समझाता हूँ ना उसको समझ में बहुत अच्छे से आता है, ठीक है सर। लेकिन हंसते मुस्कुराते इसलिए समझा रहा हूँ ताकि कोई व्यक्ति अपने दिल पे ना ले जाए, ठीक है। चलिए